किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टैंडर्ड TSC 513। और किसान भाइयों, वीडियो शुरू में करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि स्टैंडर्ड हार्वेस्टर पर आपको सब्सिडी और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। छोटे से छोटा किसान भी इसको आसानी से ले सकता है। और साउथ इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है जी स्टैंडर्ड TSC 513। और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ कंपनी के सुपरवाइजर हैं बहादुर सिंह जी, उनसे बात करवाते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, सर बढ़िया? बहुत बढ़िया सर। हाँ सर, बोलिए। सर, मैं मार्केट में हार्वेस्टर बहुत देखी है, आपका नाम बहुत सुना है साउथ इंडिया में। जी सर, जी सर। ऐसा क्या खास है दोस्त सर इस हार्वेस्टर में जो किसान इसको इतना पसंद करते हैं? सर, हमारी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि बहुत बढ़िया ब्रांड है क्वालिटी का। जो भी हम लोग काम करते हैं बहुत सोच और समझ कर करते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे ही कर दिया, ऐसे नहीं कुछ भी करते। जैसे हमारी क्वालिटी है, जैसे जितनी भी हम लोग सॉफ्ट डालते हैं इसके अंदर, वो सभी ग्रैंड होकर टेम्पल होकर डालते हैं। ऐसे नहीं भी वैसे लेस से बनाई और डाल दी। और जितनी हमने ग्रारियाँ डाली हुई है, जितनी भी स्पॉकेट है इसमें ग्रारियाँ हैं, वो सभी टेम्पर है, पूरी की पूरी टेम्पर। ऐसा नहीं है कि दो चीन तीन चीन मतलब घट जाएगी, वो नहीं हुआ सर। जो किसान भाई दर्शक देख रहे हैं ना, मैं उनको शुरू में बताना चाहता हूँ, शुरू में क्या क्या, शुरू से लेकर पीछे तक जाना चाहेंगे भी आगे मशीन में क्या मिलने वाला है और पीछे। और जैसे रील में की बात करें तो रील में हमने अभी नया मॉडल कर दिया। पहले हम लोग ये 5 पाइप वाला रील बनाते थे, अभी हम लोग 6 पाइप वाला रील बनाते हैं। तो कल को दूसरा फसल काटना ना जैसे, तो उसको खोलना आराम से और काम आराम से कर सकते हैं। जैसे मक्का काटना है, सरसों काटना है, गुवारा काटना है, उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है। और जी साइड पे सर, ये साइड पे हमने गेयर लगा दिया है। वैसे तो हम दूसरा आता है, हम लोग गेयर लगाते हैं इस पर। गेयर भी हम लोग सीधे बेल्ट वाला निकालते हैं, हम जो कंपनी है ना वो दूसरी लगाती है कैंची बेल्ट का। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है हाथ में, मतलब कटने का और करने का काफ़ी दिक्कत आती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गेयर में तेल भी कम हो जाएगा तो गेयर मरेगा नहीं। हमने उल्टा करके लगाया हुआ गेयर को, सीधा नहीं लगाया, हमने उल्टा करके लगाया गेयर को कि कल को एल भी कम हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि गेयर खराब हो जाएगा। और हमने फ्रंट में देखो सर, यहाँ पे फ्रंट पे आइए, फ्रंट में हमने ना पूरी इसमें स्टील मॉडल लगा दिया है। पूरी जो इसकी स्टील है पूरी स्टील की है जो भी है। और नीचे जो अग्रा पहले हम 13 इंच का देते थे, अभी 16 इंच का देते हैं कि कटवार कल को चोक ना हो। कई बार क्या होता है कि दान में आते हैं ना, गाड़ी चोक होने लग जाती है सी सर, तो चोक नहीं होगी गाड़ी की। और सर, किसान भाई ना साइज की बात करते हैं, फीडर की मशीन का साइज क्या क्या किसान को मिल सकता है? देखिए, जो गाड़ी है ये 44 की है सर, 45 भी आती है, 44 में भी आती है। ये 14 फुट कटर की है और 13 फुट कटर भी मिल जाएगी आपको, दोनों ही उपलब्ध हैं, कोई सा भी ले सकते हैं 41 में और 44 में। और सर, जैसे स्टैंडर्ड का नाम बहुत है इंडिया में जी, जी। तो स्टैंडर्ड हार्वेस्टर भी बना रही है और ट्रैक्टर भी बना रही है जी, जी। तो अगर किसान भाई ने ट्रैक्टर भी लेना हो तो हार्वेस्टर कैसे मिल सकता है? सर, दोनों ही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक्टर भी उपलब्ध है, पूरा सेट लेना तो सेट भी दे सकते हैं आपको। अगर खाली कंबाइन लेना है, ट्रैक्टर आपका ऑलरेडी है तो हम कंबाइन भी देंगे जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे क्वालिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमने ये सॉफ्ट डाली हुई है पूरी, ये ऐसा नहीं कि आम लोग की है, इन एट की होती है। और इसमें पूरी टेम्पर होकर के ग्रैंड होकर फिर लगाते हैं। जो बैरंग है, जितने भी हम बैरंग डालेंगे, ये बैरंग सारे NVC के वगैरह या TR के होंगे जी। और जितनी चैन डाली है हमने, ये पूरी चैन हमारी डायमंड की चैन है, ऐसा नहीं कि वैसी डाल दी, इसीलिए हमारा ब्रांड है। हम कंपनी की डालते हैं, ऐसे नहीं डालते हैं। और जैसे हमारी बॉडी के नीचे देख लेंगे हम, जहाँ पूरा स्टील लगाया हुआ है हमारे जी, नीचे स्टील है सर, पूरा मतलब कुछ पानी भी पड़ जाए तो खराब होने वाला सर, इसको कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। और नीचे के डक्ट का और पीछे पूछ का वो पूरा स्टील है। और नीचे फैन का आ गया, बर्म बॉडी आ गई, और दूसरी तरफ एलिवेटर का मैं बताऊंगा आपको, एलिवेटर वो पूरे हमारे स्टील के हैं। ऐसा नहीं कि कल को घट जाए या कोई जंग हो जाए, ऐसा कुछ नहीं आता। एक सर, ये कौन सा मीटर पड़ा है? ये एयर मीटर है। कई हार्वेस्ट में देखता हूँ ये तो देखने को नहीं मिलता, मगर इसमें क्या लगा रखा है ये? सर, इसमें एयर मीटर है जी इसका। इसमें हम लोग कंप्रेसर लगाते हैं बेबको का, ऊपर गेयर पे ऊपर जो लगाया हुआ है हमारा, कोई नहीं लगाता सर, खाली हम ही लगाते हैं जी। बेबको का, बेबको, हाँ जी बेबको का है जी, बिल्कुल ओरिजिनल है। इसमें कंट्रोल वाल टैंक, एयर टैंक वगैरह पाइप लगा के देते हैं हम लोग कंप्लीट करके। कल को कहीं होता है किसान को फील्ड में टायर पंचर हो गया तो उसको अपने टाइम पे लेके आए और आप खेत से निकलाए, ये ऐसा नहीं कि वहीं पर रुक जाए। सर, इसमें जो यहाँ पे एक लीवर दे रखा है, थोड़ा सा इसके वजह कर दीजिए उग्र के बारे में। हाँ, लीवर सर ऐसा है कि पहले जो ड्राइवर नीचे आता था सीढ़ी से उतर के, वहाँ से लॉक खुलता था, अभी वहाँ से खोलने की जरूरत नहीं है। हमने ऊपर से आएगा आराम से और जहाँ पे पाँव से दबा के इसको आराम से ऐसे करके अगर खुल जाएगा। अगर खुलने के बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ अगर के साथ, जो जो इसका मुँह रहता है वो आम जो रहता है सभी चादर का लगाते हैं, लोहे का लगाते हैं। हम लोग ये पटा का लगाते हैं, कल को कोई ट्राली आ गई किसी के साथ लग गया तो बेंड हो जाता है, ये बेंड नहीं होता है। ये हम लोग सबसे बढ़िया क्वालिटी है इसकी। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको, ये जो पेंट है, ये पेंट हम लोग PGU पेंट करते हैं। पहले हम लोग एक एक पार्ट को शॉर्ट करवाते हैं,
पूरे पार्ट को सॉर्ट करवाने के बाद उसके बाद प्राइमर होता है, प्राइमर के बाद हम लोग इसको पेंट करते हैं, पेंट करने के बाद उसको हीट में लगाते हैं सूखने के लिए कि पेंट की जो क्वालिटी है कल को बहुत बढ़िया रहे। ऐसा नहीं कि कल को पेंट उतर जाएगा, ऐसा होगा कुछ नहीं होगा, इसको ऐसे ही गाड़ी रहेगी, कल को जंग भी नहीं आएगा और पेंट भी नहीं उतरेगा। सही है सर, ये क्वालिटी है हमारी बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, ये लीवर जो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये वाला लीवर है, ये वाला लीवर अनलोडिंग के लिए है, और जो ये वाला है ये कटवार के लिए है, और ये वाला जो बास्केट के लिए है, और जहाँ से हम लोग चक्कर ज़्यादा और कम कर सकते हैं चेंजर के, ऐसे घुमा के आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से। और जो मैंने स्टील बोला था सर आपको, ये पूरी वाली जो नीचे वाला टेल है वो पूरा स्टील का है। सही है सर, पूरा स्टील का है, और जहाँ देखो पूरा स्टील है। और ये वाला जो हम लोग बताया था आपको कि बैपको का कंप्रेसर लगवाते हैं, ये बैपको का कंप्रेसर है, पूरा बैपको कंप्रेसर है, और इसके अंदर चले जाएँ टैंक में, टैंक में भी हम लोग ग्रेन टैंक का जो क्वास्टी है वो 10 क्विंटल की है सर। सही है सर, 10 क्विंटल में आता है। और डीजल टैंक आ गया, वो पीछे का चादर आ गया जो पूछ का, वो पूरा स्टील है। ये डीजल टैंक 180 लीटर का आता है इसमें, वो पूरा स्टील का जी। सही है सर। और सर पीछे हिस्से की बात करें, जैसे मैं देख रहा हूँ जो सिंपल हिस्सा आया है, तो मोर 4x4 लेना हो किसान ने जी, क्या वो भी अवेलेबल है इसमें? हाँ सर वो भी अवेलेबल, लेकिन वो 4x4 जो गाड़ी है ना, वो ट्रैक्टर वाला गाड़ी आपकी 4x4 होनी चाहिए, ऐसा 2 व्हील में नहीं आएगा जी। सी वो ट्रैक्टर 4x4 होना चाहिए। और हमारे इसके मैं और बताना चाहता हूँ आपको, जो हमने ये किंगपिन डाला हुआ है जी, ये कोई नहीं डालता है, सेल्फ गाड़ी का ही हम लोग किंगपिन डालते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि वैसे पहले स्पेंडल लगता था, अभी स्पेंडल हमने बंद कर दिया, अभी हम किंगपिन डालते हैं और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसमें 6 स्टावक्कर हैं जी, आप देखिए थोड़ा, इसमें 6 स्टावक्कर हैं। हाँ जी सर, 6 स्टावक्कर हैं इसमें पूरे, 6 स्टावक्कर हैं, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ जी, और इसका जो स्वीप जारी डालते हैं हम लोग 80 इंच का लंबाई डालते हैं इसमें, पूरा 80 इंच का। सही है सर। हाँ जी, क्योंकि कल को गाड़ी चलती है फील्ड में चलती है तो थोड़ा स्पीड से चलेगी, ऐसा नहीं कि दाना आ जाएगा, दाना नहीं आएगा, गारंटी हमारी फुल। अरे वाह सर, ऐसा कुछ नहीं है अभी, ऐसा कल पैसे हम लोग देते हैं दाना आ गया गाड़ी में। सर यहाँ पे लिखा है TSC 513 वर्ड्स नंबर 1। जी जी, थोड़ा सा और बताइए सर इसका कैसे नंबर वन है? किसान भाई नंबर वन तो सर मैंने बोल ही दी आपको, हाँ। क्वालिटी के लिए, क्वालिटी के लिए हमारी क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी चले जाओ इंडिया लेवल पे कहीं नहीं है। एक सर मैं टेक्निकल बात में ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे एक पत्ती लगा रखी है अपने। जी जी, एंगल सर, एंगल है, सॉरी एंगल एंगल है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर। इसके लिए क्या होता है कि एक तो एसएमएस लगाने के लिए जी, एसएमएस लगाएंगे आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से ले जाना, फिट कर देना है। ट्रैक्टर हार्वेस्टर भी किसान भाई एसएमएस लगा सकता है? हाँ जी, लगा सकता है, चलता है सर, इसमें लगाते हैं हम लोग देते हैं। सही है। और दूसरी बात है कि कल को ड्राइवर क्या पीछे से आता है ठोक देता है गाड़ी को, तो इसको कुछ नहीं होगा, गाड़ी को बैंड नहीं होगा, बैंड नहीं होगी। हाँ जी, इसकी स्पोर्ट है। वाह सर। और इधर भी डालेंगे हम लोग, दिखाएंगे आपको, जी सीढ़ी भी हमने दी है जी ऊपर चढ़ने के लिए, ग्रैंड टैंक। हाँ जी सर, जो ऊपर मैं डीजल टैंक दिख रहा हूँ। हाँ जी, बयान कर दीजिए सर। ऐसे हमने क्वालिटी बनाई हुई है, जैसे हम दूसरी कंपनी आती हैं वो क्या अलग लेती हैं, साइड पे लगा देती हैं, वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने बीच ही फिट कर दिया, और इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया बन गई। अभी जैसे कोई आम आदमी है तो मालूम ही नहीं पड़ेगा डीजल टैंक है, इसलिए क्वालिटी दी है इसकी। और जो नंबर वन में आप बता रहे थे कि ये नंबर वन है, तो नंबर वन में रीसेल में हम लोग नंबर वन है ट्रैक्टर गाड़ी में, रीसेल में, रीसेल में वर्ल्ड में हम लोग को नंबर वन है जी। सही है सर। हाँ जी, इसीलिए नंबर वन लगा है। और मतलब किसान भाई जितने पैसे लगाता है, हाँ तो जब वो 2-4 साल चलाने के बाद भी वो मार्केट में लेकर जाए तो उतने ही लगभग चली जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। वैसे हमने स्टील कर दिया, अभी तो जाएगी नहीं कहीं, यही सही रहेगी स्टील की। सही हाँ बात जी, कोई दिक्कत, बाकी हम लोग जितना ही फैन बेल डालते हैं सब फैनर का डालते हैं जी। सही है सर, सारा टोटली। और जो जितनी बरियां हैं इसके अंदर जो घिस जाती हैं थोड़े में, हमने स्टील डाल दी, जितना टाइम गाड़ी है उतना टाइम है जी, इतनी बढ़िया क्वालिटी है। एलिवेटर की सीट है नीचे, सीट नीचे की दोनों सीट है जो, वो पूरी स्टील की, स्टील की दी गई, फुल स्टील की है। चलो आप मैग्नेट लगा के चेक कर सकते हैं, मैग्नेट पास भी नहीं आएगा इसके। सही है सर। हाँ जी, और जो बेल्ट है वो भी हमने बता दिया जी, चैन जो मैंने वो भी बताया था आपको, डायमंड डालते हैं। और लीवर जो हमने रखे हैं, ये लीवर लगाए हुए ना सर, हाँ सर, ये लीवर कोई नहीं देता, ये लीवर हम लोग ही लगाते हैं। हाँ जी, ये लीवर हम लोग ही लगाते हैं, और ड्राइवर को चलाने में कोई दिक्कत ना हो, आराम से एक जगह बैठ कर आराम से काम करे। अब जो हमने दी है, अब अंदर पहले हम लोग दूसरी देते, अभी हमने फोर्जिंग दी है, फोर्जिंग दी हुई है सर। मैं ये हब देख रहा हूँ, मैं तो पहली बार देखी है ऐसी हब, इतने बड़े बड़े मतलब पूरी छोटे है ना, कहीं नहीं देखी मैंने इंडिया में। तभी तो चलेगी ना सर, ये तो चलेगी नहीं गाड़ी, टूट जाएगी। स्टैंडर्ड की आपकी हो गई, लोगो लगाई है। और जो इसके सिलेंडर है वो भी 40 mm के हैं, भी हम लोग आम जो है 35 के डालते हैं, वो राड बेंड हो जाता है, सील लीक हो जाती है, हमारे 40 के हैं, जो राड है पूरी 40 mm की है। कल को अब जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। और ये चेंजर हमने स्पीड चेंजर जो लगा रखा है ड्रम का, इसको पूरी चेंज करने की जरूरत नहीं है सर आपको, ऐसे ही ड्राइवर ऊपर बैठेगा जी, हमारा हैंडल दिया हुआ है, वह जितने चाहे कम और जितने चाहे ज़्यादा चक्कर चक सकते हैं। इसमें
आपको एक दो घंटा तो सुबह भी गाड़ी से पहले चलेगी और शाम को भी दो तीन घंटा ज़्यादा चलेगी। और कल को आपको दूसरी कोई फसल काटनी है उसे पुलियाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसी पे ही पूरा काम हो जाएगा आपका। सर जैसे आप कह रहे हैं दो घंटा सुबह जल्दी ज्यादा चलेगी और शाम को ज्यादा चलेगी, जी जी जी, तो डीजल की कैसे इसमें बचत होने वाली है, थोड़ा सा उसके बाद डीजल की बचत भी होगी ना, जैसे हमने चक्कर डाल दिया गाड़ी पर लोड कम पड़ेगा। सही है। जैसे पुली जितनी पुली हम चलते हैं फील्ड के हिसाब से चलेंगे तो उसके हिसाब से डीजल की खपत कम होगी। जो पुलियाँ वो एक ही जगह चलेगी और एक ही डीजल खाएगी, जो जे वाला है वो उतने हिसाब से चलेगा तो उतना ही डीजल कम आएगा। जी मैं पूछना चाहता हूँ जो किसान भाई दर्शक देख रहे हैं जी जी आपसे जुड़ना चाहता है स्टैंडर्ड जी कॉर्पोरेशन से, किस कैसे और किस तरह जुड़ सकते हैं? सर हमारे वैसे स्क्रीन पे नंबर आ ही रहे हैं, बाकी हमारा ऑल इंडिया में नेटवर्क है डीलर का, डीलर है हमारे सभी एरिया में, आप उनसे संपर्क करें, नहीं तो हमारा नंबर चल रहा है उनसे संपर्क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फेसबुक पे सभी पे हमारा कॉन्टेक्ट है, आप स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड डालोगे तो पूरा निकलेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो जहाँ भी आना चाहते हैं उनको भी हमारा वेलकम है, हमारी जो कंपनी है स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड वो बरनाला रोड पे है, बरनाला बठिंडा रोड पे है पंजाब, तो आप जहाँ भी आना चाहते हैं तो आप जहाँ भी आते वेलकम होगा आपका। सर आपका बहुत धन्यवाद। ओके सर थैंक यू, आपने हमें इतनी बड़ी जानकारी दी। ओके सर थैंक यू। ओके किसान भाइयों अगर आप भी स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो कंपनी के नंबर है जो आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप इन नंबर बात करके इस कंपनी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।